सो क्लास 12th के पेपर में कई बार इस टॉपिक के ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली अगर दो चार्ज है, मान लो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है तो इनके बीच में जो एनर्जी पैदा होगी उसका फॉर्मूला होता है यू के Q1 Q2 बाई r। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कई बार हम वर्क कहते हैं, वर्क इन असेंबलिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई हमने ना एक सिस्टम बनाया है, ये NCERT का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, और बोल दिया कि साइड इसका मान लो डी है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। पहला क्वेश्चन ऐसा आता है कि वर्क इन असेंबलिंग, अगर इस सिस्टम को हम बना रहे असेंबल कर रहे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन ये आता है वर्क इन असेंबलिंग, असेंबलिंग इस सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। दूसरा ये आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ। और तीसरा ये आता है, तीसरा पता क्या आता है, तीसरा आता है कि वर्क इन डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम, वर्क इन डिस्ट्रॉइंग, अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करना चाहे, इसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहे तो कितना वर्क देना पड़ेगा या फिर कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, बेसिकली ये जेई लेवल का क्वेश्चन पहुंच जाता है, पर इसको आप इजीली कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। खास बात ये है कि वर्क इन असेंबल आ जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, वर्क इन डिस्ट्रॉइंग आ जाए, सबका एक ही आंसर होता है। अब इस आंसर को किया कैसे जाता है वो समझते हैं फटाफट। तो मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन को उतारो और क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन को हमने उतार लिया, हमने कहा कि भाई हमें दिया हुआ यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, माइनस क्यू। आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा, वो बोले वर्क इन अरेंजमेंट यानी असेंबल करने में, या फिर बोले डिस्ट्रॉय करने में, या फिर बोले पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ना बस दो चार्ज को पकड़ना है, डिस्टेंस इनके बीच में DI होगा, सिंपल कपल्स बनाओ, के माइनस क्यू दे रखा है, ये प्लस का क्यू है और इनके बीच में डिस्टेंस, तो पहली एनर्जी आ गई। दूसरी एनर्जी कैसे निकलेगी, इन दोनों के बीच का एनर्जी निकाल लो, के एक है प्लस का क्यू, एक है माइनस का क्यू, और जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है। फिर U3 निकाल दो, के माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो डिस्टेंस डी है, वो लिख दो। फिर U4 लिख दो, इनके बीच का के क्यू माइनस क्यू और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो डिस्टेंस है डी, लिख दिया। फिर अब डायगनल वाला उठाओ, चार है ना इसलिए डायगनल से बनाओ, तो के U4 हो जाएगा, के माइनस क्यू माइनस क्यू, और डायगनल का डिस्टेंस पता कितना होता है एक स्क्वायर के अंदर, √2d। अगर डिस्टेंस डी है तो √2d। ये U5 हो गया आपका पांचवा एनर्जी, छठा एनर्जी कौन सा होगा, इनके बीच का डायगनल, तो छठा एनर्जी हो गया आपका, तो K प्लस का Q, फिर प्लस का Q और डिस्टेंस है √2d। अब इन सबको आपको ऐड करना है, बस इन सबको ऐड कर दोगे तो आपकी जेब में आंसर आ जाएगा। जो भी तीन क्वेश्चन है तीनों का आंसर एक ही होगा, जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। कई बार साइन का ऊपर नीचे हो सकता है, पर यही आपको अगर ट्रिक वाइज करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है करने का। आपको इन सबको बस लाइन से रख देना है यहाँ पे, और कॉमन क्या आ जाएगा, देखो K Q Q और D कॉमन आ जाएगा सबके अंदर, K Q Q D कॉमन आ जाएगा। सो ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में अगला क्वेश्चन ऐसा आपको दिखाई दे सकता है, यह हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको मिलेगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और वो बोलेंगे कि भैया देखो बात ऐसी है, देखो अभी इसके अंदर एयर है, एयर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है वैक्यूम, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A εr/D। लेकिन कई बार वो आपको बोलेंगे कि इसके अंदर ना हमने क्या किया, मीडियम डाल दिया, मीडियम K1 K2 डाल दिया। तो पता क्या है, जब भी आपसे ऐसे डाला जाए ऐसे कि ये जो सीधी रेखा है, मतलब जो ये हम इसको बोलते हैं एरिया ऑफ प्लेट, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ प्लेट, जब कुछ भी ना हो तो फॉर्मूला ये होता है कैपेसिटेंस का। लेकिन अगर आपका एरिया ऑफ प्लेट पे एक लाइन चल जाए, लाइन ऐसे, तो आप समझ लेना कि अब एक कैपेसिटर नहीं, दो कैपेसिटर है, ये एक दो कैपेसिटर होगा, ये डिवाइड हो गए और दोनों पैरेलल में होंगे आपस में। देखना जब भी ये लाइन ऐसे होगा कि एरिया को कट करे एरिया को, तो दो कैपेसिटर होगा, एक K1 वाला कैपेसिटर, एक K2 वाला, दोनों पैरेलल में होगा। देखना एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, जब भी एरिया डिवाइड हो, देखो ये एरिया डिवाइड हुआ है, आधा आधा हो गया एरिया, तो जब भी आधा एरिया एरिया हो, ध्यान रखना इसको बोलते हैं पैरेलल, AP याद रखो, AP, जब भी एरिया डिवाइड हो तो पैरेलल। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग लगाना है आपको, क्या दिमाग लगाना है
कि अब इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा C1, जो कि होगा A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D, और एरिया भी आधा चुका है तो A बाई 2 हो जाएगा, एरिया आधा चुका है ना A बाई 2, क्यों, क्योंकि पहले ये फॉर्मूला था, लेकिन अब मीडियम आ गया तो मीडियम से क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के बगल में मीडियम मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे इसका कैपेसिटेंस निकालोगे तो C2 होगा A एप्सिलॉन नॉट K2 D, पर एरिया भी आधा हो चुका है तो आपको 2 से डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सबसे छोटी और सबसे सिंपल बात बता रहा हूँ आप लोगों को, आप कुछ ही नहीं करना है, अभी दोनों पैरेलल में है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो आपको सिंपल ऐड करना है, जब भी पैरेलल में होता है सिंपल ऐड करते हैं, तो C1 प्लस C2 आपका नेट आंसर आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें सिंपली ऐड करना होता है और आंसर आ जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड कर देना है बस। तो ऐड कर दोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन हो जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट 2D कॉमन हो गया और K1 प्लस K2 आ गया यहाँ पर। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किसी के अंदर अभी हवा भरा हुआ है या वैक्यूम है और फिर हमने ऐसे डाल दिया तो क्या होगा, इसी के ऊपर एक और वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। मतलब मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बता रहा हूँ अपनी तरफ से, जितना मुझे लगता है कि भाई अगर कभी फ्यूचर में अगर ऐसे क्वेश्चन बच्चों को आते नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देंगे इधर, कि जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक कैपेसिटर है, अब अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस का वो होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पर K1 यहाँ पर K2 भर दिया, लेकिन इस बार कैसे भरा हुआ है कि सीधी लाइन खींची गई है, मतलब इस बार एरिया डिवाइड नहीं हो रहा है, एरिया डिवाइड नहीं हो रहा, देखो एरिया अभी भी वैसे का वैसा ही है, एरिया डिवाइड नहीं हो रहा, जो लाइन है एरिया के पैरेलल है, जब भी प्लेट के पैरेलल लाइन हो, देखो यहाँ पर ये जो प्लेट है इसके बिल्कुल सामने सामने लाइन है, तो इसको तो कट करेगा ही नहीं, तो एरिया यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि ये दो कैपेसिटर है इस बार, और साफ दिख रहा है कि दो कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर K1 का हो गया, एक K2 का हो गया, ठीक है। तो इसको दो कैपेसिटर बनाना है, लेकिन इस बार ये सीरीज में होंगे, सीरीज में, तो पहले ये था उसका वैल्यू, लेकिन K1 और K2 डाल दिया हमने, K1 K2 मतलब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, C1 वो हो जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D। पर अब एक गलती मत करना, क्या गलती मत करना, पहले D ये था, लेकिन एक लाइन पढ़ने की वजह से D भी आधा हो गया है, तो आपको D बाई 2 लिखना है, तो जब D बाई 2 लिखोगे तो ऊपर चला जाएगा वो, वैसे इसका निकालोगे तो C2 होगा A एप्सिलॉन नॉट K2, और डिस्टेंस D बाई 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया अब ये वाला, अब आपको निकालना है सी नेट, तो सीरीज के अंदर जो सी नेट का फॉर्मूला होता है 1/C नेट, जो कि होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो फटाफट अब हम देखो, अब क्या करोगे, इसको 1/C1 1/C2 करना है, पर ये तो कर ही नहीं पाओगे भाई, C1 बहुत बड़ा है, C2 बहुत बड़ा है, तो इसको x मान लो, इसको x मान लेना, तो ये भी x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका XK1 और ये भी बन जाएगा आपका XK2, तो बाद में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/C नेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/XK1 प्लस 1/XK2। अब फटाफट आगे क्या करोगे आप लोग, सॉल्व कर दोगे तो 1/C नेट आपका आंसर आ जाएगा, तो 1/C नेट इज इक्वल टू 1/X कॉमन हो जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा, क्योंकि x है ना दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, तो 1/C नेट क्या हो जाएगा, देखो 1/X तो है ही, K2 प्लस K1 K1 K2, अब वहाँ यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/C नेट आ जाएगा, ये 1/X तो है ही, अब सब कुछ हो ही गया, अब इसको बस पलट दो और क्या खत्म हो जाएगा, C नेट आ जाएगा, 1/C नेट है ना ये, तो C नेट क्या हो जाएगा, पलट दो, पलटोगे तो ऊपर x आ जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, K1 × K2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा K2 प्लस K1। अब जो x की वैल्यू थी पुट कर दो, जिसको आपने x माना था, आपने x माना था A एप्सिलॉन नॉट 2/D, इसको माना था आपने x, तो यहाँ पर जाएगा K1 K2 K2 प्लस K1, ये सेम यहाँ रह जाएगा, बस x की वैल्यू यहाँ पुट जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाए और आप सिर्फ यहाँ तक भी करके आते हो, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाया है, और आपको मार्क्स मिलने के चांस है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांस होते हैं बहुत ज़्यादा, और ये क्वेश्चंस कुछ अच्छे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ से ये फेमस है इस चैप्टर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि बोलेंगे दो कैपेसिटर है, मान लो कि दोनों बोल देंगे पैरेलल में है, और बोल देंगे कि एक है मान लो 2 माइक्रोफेराड का और दूसरा हमें पता ही नहीं है, दूसरा मान लो खुद से सी मानना है, अननोन बोलेगा, अननोन ये हमें पता ही नहीं है, और बोल देगा इनका जो कॉम्बिनेशन का जो सी नेट है मान लो 4 माइक्रोफेराड, तो फाइंड सी बोल देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना होता है, आप सॉल्यूशन हमेशा ऐसे करेंगे, आप बोलेंगे देखो भैया पैरेलल है ये, पैरेलल में सी नेट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, और सी नेट आपको दिया होगा 4 माइक्रोफेराड दिया है मान लो,
और सी वन इसको मान लो टू दिया हुआ है, और आपको सी टू निकालना है मतलब सी निकालना है, तो सी कितना हो गया, फोर में से दो गए टू माइक्रोफेरेट। यानी जब ऐसे क्वेश्चन आए तो भी आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर टेढ़ा वाला, टीचर अगर टेढ़ा है तो आपको क्वेश्चन ऐसे देंगे, वो बोलेंगे भाई साहब बात ऐसी है कि एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, और इसका जो कॉम्बिनेशन का सी नेट है, सी नेट है मान लो 4 माइक्रोफेरेड, इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है, तो इसकी कितनी होगी, इसकी पता ही नहीं आपको, इसको आप सी मान लोगे, क्या मान लोगे, सी। अब सी को निकालने के लिए बोलेगा, तो ये सीरीज का केस है, सीरीज में होता है 1/C नेट, 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 कितना है, 1/1, और C2 तो हमें निकालना है, ये वाला निकालना है हमें, 1/C रहेगा, और सी नेट की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट करना है आपको, 4। तो 1/C का निकालना है आपको, तो 1/4 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 1/C, तो 1 माइनस 4 इंटू में 4 1/C, तो 4/3 आ गया हमारा सी की वैल्यू। उल्टा कर देंगे इसको, सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा बीमार हूँ, कोई बात नहीं, पर मैं मदद करूँगा जब तक है जान, जब तक है जान।